मालिक, हमने जो जन्म लिया है अपनी इच्छाओं से लिया है। पहला शरीर छोड़ते हुए जो हमारी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए हमने वो गर्भ ढूंढा कि जिसमें जन्म लेने के बाद वो इच्छाएं हमारी पूरी हुई। हमारी इच्छाओं से हमारा ये शरीर बना है। जब तक इच्छाएं हैं और नहीं बन रही है, पुरानी मिट रही है, आवागमन लगाई रहेगी, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति जब होगी कि जब आपका लगाव किसी कर्म से नहीं रह जाएगा। हाँ, जब आप दृष्टा मात्र रह जाएंगे, करने वाला कोई और है, आप तो खाली देखते हैं। प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा तो दृष्टा है, देखता है, उसकी लीला को देखता रहता है। तब तक मुक्ति नहीं होती। निष्काम कर्म क्या है? पुस्तकों की पुस्तकें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, पढ़े जाइए। इस सेवक के गुरुदेव बहुत सुंदर सीधे शब्दों में निष्काम कर्म की परिभाषा देते थे। वो कहा करते थे कि जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए और जिस काम के कर चुकने के बाद उसका संस्कार हृदय पर ना बने, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए, जिस काम को कर चुकने के बाद उसका संस्कार ना बने, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। कितनी सरल सुंदर परिभाषा है। जो कर्म संस्कार ना बनाए वही सच्चा निष्काम कर्म। और ऊंची बात कहते, वो कहते थे कि जिस प्रकार पाप कर्म, हर एक की आत्मा जानती है पाप कर्म क्या है। वो बात अलग है कि इतना मन काला हो जाए उसे उसका एहसास ना हो, उसी को वो ठीक समझे वो गलत, लेकिन आत्मा फिर भी ये कहती है काम तो गलत ही, गलत तो गलत ही। जिस प्रकार पाप कर्म लोहे की जंजीरें हैं, जो पाप कमाता है उसे पाप का फल भोगने के लिए, नरक भोगने के लिए जरूर आना पड़े, जन्म लेना पड़े। ऐसे ही जो कर्म पुण्य के लिए किए जाते हैं, उपकार के लिए किए जाते हैं, उसका आभास आपको है कि आप परोपकार कर रहे हैं, दुनिया की भलाई के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, परोपकार के काम कर रहे हैं। तो जितने ऐसे कर्म हैं वो सोने की जंजीर है, जन्म से छुटकारा नहीं। स्वर्ग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, उसका फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बंधन से मुक्त कौन है? कि जो ना लोहे की जंजीर में बंद है, गिरफ्तार है, ना सोने की जंजीर में गिरफ्तार है, वो मुक्त है। उसका कोई संबंध रह नहीं जाता कर्म से, वो खुद कुछ नहीं करता, वो एक दृष्टा मात्र रह जाता है, करता प्रभु है, वो नहीं करता। या ये कहिए कि वो यंत्र मात्र रह जाता है, इज ए टूल इन हिज हैंड्स, उसका एक यंत्र मात बनकर रह जाता है, करता वो। उसके हृदय में सपने में भी ये ख्याल नहीं पैदा होता कि उससे कुछ होता है, सपने में ये ख्याल नहीं होता। जो करता है उसका मालिक करता है। बड़े बड़े अजीब करश्मे सामने आते हैं, परमात्मा को और सिर झुकता चला जाता है, प्रभु तेरी बड़ी विचित्र लीला है, जिस रूप में आए, जिस तरह से आए, तू क्या नहीं कर सकता। और झुकता है और झुकता है परमात्मा को, और झुकता है कि लीला देखता है, करता खुद कुछ नहीं, वो करता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, जो सच्चे संत हुए, जो बहुत ऊंची श्रेणी के संत हुए, उनसे जिंदगी भर कभी कोई करामात नहीं हुई। जिंदगी में उनसे कोई अजीब वा मिराकल नहीं घटा। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं हुआ कि उनसे कभी कुछ हुआ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो चाह सो करे, उनसे कभी कुछ नहीं।
सपने में भी उनसे कभी कुछ नहीं हुआ, ख्याल नहीं। ये सत्य निष्काम कर्म है, ख्याल तक नहीं होते। और हमने इसका अभ्यास निष्काम कर्म का पहले स्टेप से शुरू किया, जब हम रात को सोते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्या करते हैं कि जो अच्छे काम सोचते अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आज कोई अच्छा काम हमसे बना जिससे दूसरों की आत्मा को सुख और शांति पहुंची, अगर कोई बना है तो उसे भगवान की अर्पण कर देते हैं, प्रभु आपने किया मैंने, ओ लॉर्ड यू क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस, प्रभु आपने अवसर दिया ये अच्छा काम हो गया, वरना इसमें कहां शक्ति है किससे कोई अच्छा काम बने, भगवान की अर्पण कर। और बुराइयों को हम दूर करना शुरू कर देते, एक एक छोटी छोटी पकड़ के दूर करते चले जाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बुराइयां दूर होती चाहिए, एक एक छोटी पकड़ते हैं, एक एक करके दूर करते चले जाते हैं। और जब 24 घंटे के ध्यान पर पहुंचते हैं तो हृदय मलिनता, हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है, मलिनता रहती नहीं है, जहां प्रभु का वास सच्चा है वहां मलिनता नहीं, बुराई रहती नहीं, हमारी सारी बुराइयां छूट जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, एक भी बाकी नहीं रहती, और अच्छाइयां सब भगवान के अर्पण हो जाती हैं। तो खुद तो कुछ करता नहीं, जो कर रहा है तो प्रभु कर रहा है, यह वास्तविक। जो सच्चा ऊंचा संत है उसका कदम कभी गलत नहीं पड़ता है, गलत मत समझिए, लोहे की जंजीर सोने की जंजीर गलत मत समझिए, नहीं तो बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, बहुत बारीकी है, उसका गलत पैर पड़ता नहीं, उसमें बुराई रहती नहीं, जिसे 24 घंटे प्रभु की याद है, और जितनी अच्छाइयां वो भगवान की अर्पण हो जाती है, उससे अच्छा कभी कुछ होता है, सपने में भी ख्याल नहीं होता कि उससे कोई अच्छाई संसार की हो रही है या उससे कोई सेवा बन रही है, सपने में भी ख्याल नहीं होता, जो करता है ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, उसका मालिक करता है, वो कुछ नहीं करता। कबीर साहब ने संत महात्माओं योगी और यतियों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही, ही वॉज ए वेरी ग्रेट सेंट, और मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं कि कुछ उन्हें मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं, हिंदू में तो भक्तमाल अगर आप पढ़ें तो ऐसे हजारों संतों की गाथाएं हैं जो आंसू आपके निकल निकल कर रह जाएंगे, भक्तमाल पढ़िए, मैं संतों की गाथाएं आंसू बह बह कर रह जाएंगे। कबीर साहब का नाम मैं इसलिए लेता हूं, मुसलमानों ने मुसलमान कहते हैं, हिंदू हिंदू कहते हैं, ऐसा व्यक्ति इसलिए मैंने छाटा। कबीर साहब ने कहा है संतों योगी और यतियों के लिए, क्या कहा है कि नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता है, और उससे संसारी भला जो सदा रहे डरता है, नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता है। बड़े भारी योगी हैं, यति हैं, बड़ी तपस्याएं आपने की हैं, अगाध तपस्या के बाद रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं, और अगर उन रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आप संसार की सेवा कर रहे हैं, खुद ये समझते हैं कि आप कर रहे हैं, युवा विद्युत है, आप संसार का कल्याण कर रहे हैं, संसार की भलाई कर रहे हैं, तो आपने सरा से इंटरेस्ट के लिए, थोड़ी ख्याति के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, प्रिंसिपल भी बर्बाद कर लिया है। अरे ऐसा विचार है, सच्चे भक्त के तो सपने में भी ख्याल पैदा नहीं होता कि उससे कभी कुछ होता है, उसका हृदय तो प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उसका मालिक ही करता है जो कुछ करता है। और इस जमाने में तो कर्ताओं की दौड़ लगी हुई, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति आए, और 300 भगवान तो अमेरिका में है, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया गॉड्स, 300 भगवान ईश्वर तो अमेरिका में है, हिंदुस्तान में तो बाढ़ आई हुई होगी, क्या नहीं ऐसे योगी यतियों के लिए जिसे इन्हें कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई प्रभु कृपा से, अब वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे और संसार का भला कर रहे हैं,
और ना मालूम अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर कर बैठे। उनके लिए कहा है कि ऐसे योग्य यतियों से कि जो खुद कर्ता बन गए, उन्होंने अपनी सारी कमाई नष्ट भ्रष्ट कर ली। ऐसे योग्य यतियों से वो गृहस्थी कहीं ऊंचे हैं जो आधा घंटा सुबह प्रभु की याद करते हैं, आधा घंटा शाम को प्रभु की याद करते हैं, दिन भर उस परमात्मा से डरते रहते, उनकी तपस्या कहीं ऊंची। और कबीर साहब का अपना जीवन कैसा था उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। जब कबीर साहब की ख्याति बहुत हो गई, लोग कहने लगे कि बड़ा ऊंचा महात्मा है, एज ए ग्रेट सेंट संत, तो एक बार 200-250 बड़े इंटेलेक्चुअल्स अध्यात्म के, उन्होंने सबके सामने सलाह की कि भाई देखें वास्तव में कितनी गहराई है, कबीर में गहराई कितनी, लेट अस सी। और ऐसा विचार के 200-250 पंडितों की जो टोली थी वो कबीर साहब के घर की तरफ चली कि आज उनसे बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे और देखेंगे क्या गहराई है। सत्संग करने के हेतु पधारे। कबीर साहब का छोटा सा घर था, उसमें दो कमरे थे, एक कमरे में खुद रहते थे, एक में गाय बनती थी या भूस रहता था, बहुत मामूली सी रहन सहन थी। जब उन्होंने देखा कि ये 250 व्यक्ति चले आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बड़ी मुश्किल पड़ी और आज यही रहे, कि मैं तो इनका अतिथि सत्कार भी नहीं कर सकूंगा, मेरे पास तो 250 ग्लास भी नहीं है और इतनी जल्दी मैं अरेंजमेंट भी नहीं कर सकता, कहाँ से ला। घबरा गए और अपनी धर्मपत्नी से बोले कि हे देवी तू भगत लेना, मेरे बस की बात नहीं है, और भूस की कोठरी में झाकू से और अंदर से किवाड़ बंद कर, और अपनी स्त्री से कह गए कि अब तू जाने तेरा काम जाने तू देख। धीरे धीरे अब स्त्री दरवाजे पर जाए खड़ी हुई, देख रही है कि भीड़ तो उधर ही आ रही है, उन्हीं के दरवाजे की तरफ चली आ रही है, आंसू लुढ़क रहे हैं, डुल 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 के परमात्मा इज्जत रखने वाला है, पति भी साथ छोड़ गया और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गया, आंसू लुढ़क रहे हैं आंखों में, दरवाजे पर खड़ी है बेचारी। जब नजदीक आए तो क्या देखते हैं कि उस भीड़ के पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है, और जब वो भीड़ आई तो उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी भी दरवाजे पर रुक गई। अब बैलगाड़ी में क्या देखती है कि जो गाड़ी हांकने वाला है उसके पीछे कबीर साहब स्वयं बैठे, और गाड़ी सब सामान से भरी पड़ी है, खाने पीने का, बर्तन, जो जिसकी आवश्यकता है सब चीजें उसमें मौजूद है गाड़ी। अब ये बड़ी चौकी कि मेरे घर का दरवाजा एक है, बराबर मैं यहाँ खड़ी हूँ, कबीर साहब ने तो भूस की कोठी अंदर से बंद कर दी, ये निकल के इधर से भागा, और जाने के बाद कहाँ से इतना इंतजाम कर, कौन इसे ऐसा सेठ मिल गया जो फटाफट सारा इंतजाम कर दिया। बड़ी चकित है, कह कुछ नहीं सकती है तो कबीर साहब। गाड़ी रुकी, सामान उतरा और कुछ जो आए थे उन्होंने मदद की, एक दो व्यक्ति गाड़ी पर सबने मदद कर करा करके, और खाने पीने का सामान भी तैयार हुआ, सत्संग भी भाई आए तो सबने मदद की, उधर खाने पीने का सामान तैयार हुआ, उधर सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग होने लगा, बड़ा ऊंचा सत्संग, हर एक इंटेलेक्चुअल वेल सेटिस्फाइड, हृदय में कन्विंस्ड कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। इतना कन्विक्शन हरेक को हुआ, फिर भोजन मिला, आध्यात्मिक भोजन मिला और खाना भी अच्छा मिला, अच्छी प्रकार जब निवृत्त हो गए और जब चलने लगे तो सब मिलके कबीर साहब की बड़ी तारीफ करने लगे, क्या कहने भाई, जैसा सुना उससे कहीं ऊंचा पाया, बड़ा अरिंदित पुरुष है, क्या कहने। जब ये तारीफ कर रहे थे तो जो असली कबीर साहब थे वो तो भूस की कोठरी में बंद थे, जब उन्होंने ये तारीफ सुनी तो उनसे नहीं रहा गया कि बोले कि आज सारा बर्बाद हुआ, आज जिंदगी की सारी कमाई गई, फट से दरवाजा खोला कूद पड़े, ये कूदे और वो गायब हो गया जो अब तक था, अब ये रो रहे हैं, सबके चरणों में गिर रहे हैं, हाँ और क्या कह रहे हैं, ना कुछ किया न कर सका,
ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, शरीर से ही मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो हरी किया, और कहत कबीर कबीर। आप मेरे पर क्यों लांछन लगाए? जो किया परमात्मा ने किया, उस हरी ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं शरीर से ही कुछ नहीं। रो रहे हैं, बिलग रहे हैं। और ये लोग बड़े प्रसन्न, कितनी ह्यूमिलिटी है। तो ये है सच्चे भक्त, ऐसी निष्काम कर्मता जब आ जाती है, इसमें स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा का सच्चा ब्लिस, सच्ची कृपाधार पृथ्वी पर उतरती है, जिनसे साधकों की आत्माएं सिंच जाती हैं, प्रेम से भर जाती हैं, प्रभु के प्रेम में भर जाती है, हृदय प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाती है, वो कृपाधार प्रभु की उतरती है। ऐसा जब निष्काम कर्म में आरूढ़ता पैदा होती, ये है सच्ची निष्काम कर्म। मुझे एक और संत का किस्सा याद आ गया, वो भी मुसलमान संत थे, रहीम साहब। रहीम साहब की साखी आपने पढ़ी होगी, जब हम छोटी क्लासेस में थे हिंदी में, तो उनकी साखियां पढ़ी, बड़ी प्यारी प्यारी साखियां। भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे, और उनका ये उसूल था कि हर बृहस्पति के दिन दान करते थे, हर बृहस्पति पार के, और दान की ये सिफ्त थी कि जो जो मांगता उसको वो ही देते, खाना मांगता खाना, कपड़ा मांगता कपड़ा, पैसा मांगता पैसा, और जितना देते उतना ही जमीन में और झुके चले जाते, बड़े जैसे बड़ा शर्म और लज्जा से सिर झुका चला जा रहा। एक कवि उनके इस दान करने के तरीकों को देख रहा था, उससे निराश, वो रहीम साहब के पास आया, उसने कहा कि रहीमन सीख ही कहा दैनी तुम ये देन, जो जो ध्यान तिहारो बड़े त्यों त्यों नीचे ने, कहा ये सीखा तरीका दान करने का है। जितना अधिक देता है उतना ही और लज्जा के मारे पृथ्वी में घुसा चला जा रहा है। दुनिया तो साइन बोर्ड लगाती है, बड़े बड़े अखबारों में निकालती है, बड़े बड़े पत्थर लगाती है, कोई पंखा भी देता है तो उसमें भी लगा देता है कि इसकी स्मृति में दिया गया, तू एक देता है और झुका चला जा रहा है जमीन में, पृथ्वी में गड़ा चला जा रहा है, कहां से सीखा ये तरीका तेरे दान करने का? रहीम साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, रो पड़े और रोकर कहने लगे कि देने वाला और है देता है दिन रैन, देने वाला और है देता है दिन रैन, और लोग ब्रह्मों पे करें ताते नीचे नैन, लज्जा से शर्म से मरा चला जाए। देने वाला वो प्रभु है, दिन रात देता रहता है, लोग कहते रहीम देता है, कैसा झूठा लांछन मेरे ऊपर लगा रहे, शर्म से मैं दबा चला जाए। ऐसी सच्ची निष्काम कर्मता जब होती, ऐसे भक्त जिनकी ऐसी आयुर्ता निष्काम कर्म हो जाती है, वो परमात्मा के सच्चे पैर सच्ची कृपाधार को पृथ्वी को उतारते हैं, उस प्रभु के नाम को रोशन करते हैं। ये है सच्ची निष्काम कर्मता, जहां ऐसी निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाती है, फिर संस्कार नहीं बनता। पुराने संस्कार कुछ तो ध्याना अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं, कुछ भोग के कार लेता है, आगे की स्लेट क्लीन है, कुछ नहीं कर, संस्कार नहीं बने, मुक्त है, जीवन मुक्त होकर विचरता है, जीवन मुक्त है। ये है सच्ची ऊंची अवस्था, इसी जीवन में जीवन मुक्त है। ये ऐसी निष्काम कर्मता है। मुझे एक किस्सा और याद आई, निष्काम कर्म जो है बड़ी कठिन चीज है, आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट। और मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा, उस कहानी के बारे में ये मत सोचिएगा कि ऐसा कैसे और ऐसा कैसे है,
अगर इन बातों के चक्कर में पड़ जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगे। आप जो उसका सारांश है उस कहानी का, उसको पकड़िए और उससे फायदा उठाइए। एक राजा था, महाविद्वान था, उसने बहुत अध्ययन किया और वेदांत का बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, आत्मा कुछ करता नहीं है। सोल इज ओनली ए सीयर नॉट ए डूअर, करती कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करती। उसने पढ़ लिया, लिख लिया और जब उस आचरण जो था वो उसका ऐसा था कि जब अच्छे काम करता और दूसरे तारीफ करते तो उसे बड़ी खुशी हासिल होती है, क्या बड़ी प्रेज हो रही है, इज्जत मिले। और अगर कोई खराब काम हो जाता, पाप कर्म, तो उसको छिपाने के लिए कहता गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, मैंने तो कुछ किया नहीं, आत्मा ने कुछ नहीं किया, मैं इसका कोई पश्चाताप करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं। ये उसका रवैया था, चलता रहा और वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति भी मानता रहा कि भाई मैं बड़ा श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, सच्चा ज्ञान मुझे है। एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने गया, शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने गया, सुबह से शाम तक उसने बहुत दौड़ धूप की लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा, एक खरगोश भी नहीं मरा, चीता शेर की बात तो लग रही। तो सोचने लगा कि अब मैं जब लौट के जाऊंगा तो मेरे मिनिस्टर्स भी मजाक बनाएंगे, मेरी रानियां भी मजाक बनाएंगे कि खाली लौटे आए। मैं सोचना पड़ गया क्या करना चाहिए, ये सोच विचार रहा था, सायंकाल हो चुकी थी, सूरज छिप गए थे, थोड़ा थोड़ा उजाला सा था, छुटपुटा सा, एक नील गाय जंगली तालाब होते पूंछ जिनको कहते हैं जो पानी की, उसमें जल पीने आई, नील गाय जंगली गाय, और वो जब पानी पीने लगी तो उसकी आवाज हुई। इस राजा ने सोचा कि कोई शेर चीता ही होगा, रात में ऐसे बियाबान जंगल में कोई खूंखार जानवर पानी पी रहा है, अगर मैं गया तो मेरी पैर की आड़ से भाग जाएगा, इसलिए शब्द वेदी बाण लगाओ। तो उसने शब्द वेदी बाण लगाया, शब्द वेदी बाण का लगना था गाय रंभा के गिर पड़ी और गाय के रंभाने की आवाज हुई तो इसके कलेजे पर चोट भी पहुंची, अरे तो गौ हत्या हो गई, गाय मर गई। आया तो आके इसने देखा कि एक नील गाय तीर खाए पड़ी, इसने तीर निकाला, गाय ने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद जो गौ हत्या थी उसने कहा कि भाई राजन तू पश्चाताप कर नहीं तो अपने पाप को भुगत, मैं तेरे सिर पर सवार। तो राजा बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आत्मा हूं, मैं कभी कुछ करता ही नहीं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहा है, मैंने ना पुण्य किया ना पाप किया, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। अब गौ हत्या क्या करे, अच्छा वो भगवान जी के पास गई, विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु एक ऐसा राजा है तीर से मुझे मार दिया और कहता है कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही, आत्मा तो कुछ करता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तुझे लेने के लिए तैयार नहीं, अब प्रभु बताओ मैं कहाँ जाऊं। भगवान ऐसा कोई बात, भगवान ने उसको ब्राह्मण का रूप दिया गौ हत्या और अपने आप भी ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब ये दोनों बहुत सुंदर ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके और राजा के राज में पहुंचे। दरबार ने खबर दी कि बहुत बड़े विद्वान दो पंडित कहीं बाहर से आए और आपसे मिलना चाहते हैं।
उनका लाइए। जब अंदर घुसने लगे तो राजा भी चौंका, अरे ये तो बड़े दिव्य मूर्तियां हैं। तो फौरन राज सिंहासन छोड़ के आया उनका आगमन करने के लिए, आगमन किया, उन्हें एक स्पेशल महल में ठहराया, बड़ी आवभगत की। और जितनी आवभगत करता रहा और उनकी उनके तेज से, उनकी विद्वता से और भी श्रद्धा उसमें बढ़ती रही राजा। और दूसरे तीसरे दिन ही उसने प्रार्थना की कि प्रभु आप चलिए मेरी राजगद्दी को पवित्र करिए, उस पर आप राजी। नहीं राजन वो तो तुम्हारी चीज, नहीं नहीं महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करिए, पवित्र कर दीजिए मेरे राज। ब्राह्मणों को राजा ले गया अपनी गद्दी पर, अपने आप नीचे बैठा गद्दी पर, उनको बैठा ला, सारा दरबार बुलाया, बहुत इज्जत, इतनी इज्जत दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बड़ी तारीफ सुनी है, कि बड़ा धार्मिक राजा है और प्रजा की बड़ी सुंदर सेवा करता है, हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, हम आपका राज देखना चाहते हैं, राज की विशेष चीजें कुछ हमें दिखलाइए। तो बहुत अच्छा महाराज, किसी मिनिस्टर को हमारे साथ भेजोगे? नहीं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं। राजा स्वयं उन ब्राह्मणों को ले गया पहले भगवान कृष्ण के मंदिर में। भगवान कृष्ण का उसका इष्ट बहुत प्यारा मंदिर बनवाया था, लाखों रुपया लगा के मंदिर बनवाया, उस जमाने के लाखों की बहुत, आज के तो करोड़ों के बराबर लगा के, बड़ी लागत लगा के बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, उसके साथ एक बहुत बड़ी स्टेट लगा दी थी, तीन पुजारी रखे थे, आठ आठ घंटे की ड्यूटी लगा दी थी, 24 घंटे मंदिर खुला रहता, तरह तरह का नैवेद्य चढ़ता, भगवान के पोशाक 52 तरह की पोशाक प्रभु को पहनाई जाती, बदल बदल के बड़ा भारी था। इन ब्राह्मणों ने मंदिर देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्या करने राजन, जैसा सुना वैसा पाया, खूब प्रभु का मंदिर बनवाया है, बहुत सुना। फिर उसके बाद में जो विष्णु भगवान थे, रूप लिए ब्राह्मण का, बोले कि वो सामने जी मंदिर मालूम होता है कि हाँ वो भी मंदिर है, भाई उसे भी देखेंगे, हाँ वो भी देखिए। वहां सामने गए तो इतना अच्छा नहीं था, था तो अच्छा, इंतजाम यहां भी अच्छा था, भगवान शिव के मस्तिष्क पर कलश लगे हुए थे जिसमें गंगा जल और दूध की धारा बार महाराज के मस्तिष्क पर पड़ती रहती थी और भक्त लोग चरणामृत लेते रहते थे। यहाँ भी बड़ा सुंदर प्रबंध था, लेकिन कोई मुकाबला नहीं, भगवान कृष्ण के मंदिर का, भगवान शिव के मंदिर का कोई मुकाबला नहीं था। तो ये ब्राह्मण बोले कि महाराज वो बात नहीं है इसमें, जो उसमें है, राजा चुप था, कहा कुछ। और राजा ने अपने राज की और मुख्य मुख्य चीजें दिखलाई है, तो फिर उन्होंने दिखाना शुरू किया कि भाई ये पाठशाला है, ये स्कूल बनाए। धीरे धीरे वो ये कहने लगा कि ये मैंने स्कूल बनवाया, इसमें इतनी क्लासेस है, ये मैंने धर्मशालाएं बनाई, ये मैंने बावड़ियां बनाई, ये कुएं बनवाए। धीरे धीरे मैं आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ की नेशनल म्यूजियम बहुत बढ़िया है, हम उसे भी देखना चाहेंगे, कहा जरूर चलो। नेशनल म्यूजियम में ले गया और वहां तो एक एक चीज दिखाने लगा कि साहब ये इतनी पुरानी है, इतने कारीगर लगवा के मैंने इसे ठीक करवाया, मैंने इतना पैसा खर्च करके इसे मंगवाया, हर चीज में मैं लगता चला गया। जब मैं खूब हो चुका है, तब भगवान ने गौ हत्या को इशारा किया, तो वो शरीर छोड़ के गौ हत्या प्रकट हो गई। बोले राजन कृष्ण का मंदिर तैने बनवाया, शिव का मंदिर तैने बनवाया, बावड़ियां तैने खुदवाई, स्कूल तैने बनवाए, धर्मशाला तैने बनवाई, तो ये गौ हत्या किसने की? ये भी तैने की। तो निष्काम कर्म के माने जो है ये है, उसे कहीं लगा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, न उसने मंदिर बनवाया, न उसने बावड़ी बनवाई, ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया। ये बड़ी बारीक ये कहना, ये है सच्चा निष्काम कर्म, कितना कितनी बारीक चीज है।
क्यों? कि बहुत सुंदर बात कही गई है, कबीर साहब ने कही है। क्या कहा उन्होंने? कि माया तजना सरल है, माया तजना सरल है और स्त्री का ने मान बढ़ाई ईर्षा तजस बिरला एक। ये मान सम्मान जो है ना, ये तो बहुत परेशान कर देता है। अच्छे अच्छे को इला देता है। इसलिए निष्काम कर्म सच्चा जब भी होता है कि जब ऐसी सुंदर पैठ साधक की हो जाती है कि मुझसे कभी सपने में भी कुछ नहीं होता, मेरा मालिक करता है, मेरा प्रभु करता है, आज तक इससे सपने में भी कुछ नहीं बना, सब उस वो करता है, मैं नहीं करती। जहां ऐसी निष्ठा अटल हो जाती है वहां सच्ची स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होकर विचरता, इसी पृथ्वी पर विचरता है, इसी दुनिया में रहता है, सर्वसाधारण की तरह रहता है। परमात्मा तो